Good morning, friends. How are you all? Myself, Anupama Shukla. Today, we are going to start a new topic. The name of the topic is Prevention of Money Laundering Act 2002. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए बोलेंगे हम क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज इंडिया जैसी कंट्रीज में और ऐसी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे होती रहती हैं और इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से. तो सबसे पहले जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन? सबको पता है प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज पे रोक लगाना. और मैम मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो आपने सुना होगा ब्लैक मनी और व्हाइट मनी. तो जब भी ब्लैक मनी को हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं या फिर मैं बोलूं कि इलीगल मनी, क्योंकि ब्लैक मनी कभी भी लीगल सोर्स से जनरेट नहीं होता है, किसी इलीगल मनी को हम लीगल मनी में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. जैसा कि मैं जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाती हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर एक एक्ट का कोई ना कोई हिस्ट्री होता है. जैसे कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी कंपटीशन एक्ट 2002 का, जिसमें हमने सीखा था कि कंपटीशन एक्ट बेसिकली एमआरटीपी को अबॉलिश करके, खत्म करके कंपटीशन एक्ट को लाया गया था. एमआरटीपी मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट में कुछ और चीजें दी हुई थी जो कहीं ना कहीं कंपटीशन एक्ट से अलग थी, तो उनको हटाया गया और कॉम्पिटिशन को लेके आया गया. वैसे ही यहां पे ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जिसकी मैं बात करूं कि हाँ पहले कोई रिस्पेक्टिव एक्ट था जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात करता था और उसको रिमूव करके, उसको चेंज करके, उसको अमेंड करके इस एक्ट को लाया गया. तो देयर इज नो सच हिस्ट्री. बेसिकली यहां पे क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो एक्ट है एक्चुअली में जो ये कन्वर्जन है ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में, ये बहुत ही पुराना तरीका है, बहुत ही सालों से चला आ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा परेशान थी. इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे थे बट वो इनिशिएटिव इफेक्टिव थे या नहीं थे उसका हमें कोई आइडिया नहीं लग पा रहा था. इसी वजह से इस एक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव जो लिया गया वो 1998 में लिया गया, जहां पे पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 4th ऑफ अगस्त 1998 को. और उसके बाद चार साल लग गए इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने में और अल्टीमेटली आपका 2002 में एक एक्ट बना, एक लेजिस्लेशन पास हुआ जिसका बेसिकली एक ही पर्पस था कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने से रोका जाए. और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उस पे क्या क्या पनिशमेंट, क्या क्या फाइन लगेंगे, इन सब के बारे में उसमें बात की गई. अब अगर हम ध्यान से सोचें और समझें तो मैंने वर्ड यूज किया ब्लैक मनी, इसका मतलब वो पैसा जिसका सोर्स जो है, मतलब वो जहां से ग्रो हुआ है वो सोर्स ही क्या है, इलीगल है. तो अगर मैं आपको समझाऊं तो आप सिंपली सोच सकते हैं इस चीज को कि अगर हमारे पास बेसिकली वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे पैसा इलीगल फॉर्म में आता है. अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं तो उनका ब्लैक मनी करप्शन का पैसा होता है. अगर मैं गैंगस्टर्स की बात करूं तो उनका जो पैसा होता है वो रैंसम हो गया, एक्सटॉर्शन मनी है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब सोर्स से जो इनकम जनरेट होता है वो उनके लिए ब्लैक मनी होता है. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करोगे तो हमने देखा कि ब्लैक मनी के सोर्स ऑफ जनरेशन क्या हो सकता है, जिसमें हमने बात की पॉलिटिशियन की करप्शन मनी की,
गैंगस्टर्स के, आपके जो गैंगस्टर हैं उनके एक्सटॉर्शन मनी की, और साथ ही साथ में अगर कोई पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उससे जो पैसा आ रहा है वो सारे के सारे पैसे को हम उन सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे सोर्स आपके इलीगल सोर्स ऑफ है। अब जब ये इलीगल सोर्स हैं तो क्या आप इनको लीगल फॉर्म में यूज कर सकते हो? क्या आप इनका सोर्स ऑफ जनरेशन डिस्क्लोज कर सकते हो? डेफिनेटली द आंसर इज नो। तो इसी वजह से अब जो पैसा कमा तो लिया गया है, पैसा कमा लिया गया, लेकिन उस पैसे को आप यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हो। तो इसीलिए ये जो पैसा होता है ये डेफिनेटली छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये बहुत ही बड़े अमाउंट में होता है। तो इस पैसे को यूज करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज हम करते हैं उसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। मींस आप अपने टेंटेड मनी को, दागदार पैसे को अनटेंटेड मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी साफ बेदागदार पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इंट्रो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जिसमें देखा गया कि कैसे हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्लैक मनी का सोर्स भी ब्लैक होता है और ब्लैक सोर्स ऑफ इनकम को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो पैसा है इसका जो सोर्स है वो लीगल नहीं, वो इलीगल है। तो इस तरह से हमें प्रिवेंशन मतलब रोकना, किस चीज को, कन्वर्जन, किस चीज का, ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हमारे यहां आया। तो अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज पी में दी गई है, जिसको हम सेक्शन 3 के साथ पढ़ेंगे, और मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो बोर्ड पे लिखवाने जा रही हूं, और फिर साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अगर कोई पर्सन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में पकड़ा जाता है तो उसको हम किस तरह से पनिश करेंगे, यानी इस एक्ट ने सेक्शन 4 में पनिशमेंट के प्रोविजंस की बात की है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैं अगर मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बताऊं तो जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है उसमें सबसे पहले क्या बोला गया, हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या करता है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, इंडल्ज होने की कोशिश करता है, नोइंगली नोइंगली जानबूझ के, और नोइंगली असिस्ट जानबूझ के असिस्ट करता है, नोइंगली असिस्ट अ पार्टी, एक पार्टी को जानबूझ के असिस्ट कर रहा है, इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी, इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द, कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ, कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम इंक्लूडिंग, किस किस चीज को इंक्लूड करता है, इट इंक्लूडिंग पोजेशन, इट इंक्लूड पोजेशन, एक्विजिशन एक्वायर करना, एक्विजिशन और या फिर और यूज
or use any projecting or claiming it as untainted property. Or claiming it as untainted shall be guilty of offense of money laundering. ये definition जो है किसमें दी गई है money laundering की section 2 subsection 1 clause P में बताया गया है. Section 2 subsection 1 clause P. Read with section 3. Read with section 3. ये definition मैं आपको board पे बताई. That is the definition of money laundering. क्या लिखा हुआ देखें. Whosoever directly or indirectly. चाहे जानबूझ के directly या indirectly attempt करता है, जानबूझ के assist करता है किसी party को किसी ऐसे process या activity में जो connected है किसी crime से. और वो बोल रहा है कि वो जो क्राइम है उससे जो पैसा यानी जो एक्वायर किया है उसने पोजेशन वो जो है अनटेंटेड प्रॉपर्टी है. क्लेम कर रहा है वो ऐसा पर वो एक्चुअली में नहीं है तो उसको हम गिल्ट पाएंगे किस ऑफेंस में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में. समझ में आया आपको. ये थी आपकी डेफिनेशन. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि 4th of August 1998 को फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. चार साल के बाद 2002 में इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया जिसमें ये चीज बोला गया कि अगर कोई पर्सन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पे क्या क्या पनिशमेंट लगेगी, क्या क्या फाइन लगेंगे और कितने की इम्प्रिजनमेंट होगी. साथ ही साथ में आपको ये बताया गया कि किन किन गलतियों को ऑफेंस माना गया है पीएमएलए में यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में किस किस चीज को ऑफेंस माना गया है. तो इसमें आपको जो पैराग्राफ्स हैं कुछ और साथ ही साथ में कुछ आपके शेड्यूल में टेबल है, टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी. इन तीनों ही टेबल में आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं, इन तीनों ही टेबल में आपको वो सारे के सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं जिसके जनरेशन से जिसके होने से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक मनी बोलेंगे. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. तो जब भी हम किसी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, मैंने क्या समझाया आपको, जब भी हम किसी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव थ्री स्टेजेस. फर्स्ट वन इज नोन एज प्लेसमेंट, सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन. समझिए, किसी पॉलिटिशियन ने 100 करोड़ रुपए का करप्शन किया. अब इस पैसे को वो व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहता है. अगर वो इस 100 करोड़ रुपए को बैंक अकाउंट में तो रख नहीं सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जो ब्लैक मनी है उसको आप अगर बैंक अकाउंट में रखोगे तो आपको उसका सोर्स ऑफ जनरेशन भी दिखाना पड़ेगा और वो सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है, एक इलीगल सोर्स है, तो वो तो आप वहां पर शो नहीं कर सकते हो. अब पॉलिटिशियन के दिमाग में आया कि आखिरकार कैसे मैं इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करूं, तो वो हम जैसे प्रोफेशनल के पास जाता है और प्रोफेशनल से पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सके. तो पीएमएलए में बताया गया है यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आपको इन्फॉर्म किया गया है कि किस प्रोसेस को यूज करके, कितने स्टेप्स को यूज करके एक ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला स्टेज है प्लेसमेंट का.
जिसमें बोला जाता है कि जब आप 100 करोड़ रुपए को एक साथ रखोगे तो उसको पकड़ना देखना बहुत आसान होगा, क्यों ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। तो प्लेसमेंट में यही होता है, जो भी ब्लैक मनी का पैसा होता है उस ब्लैक मनी को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और वो पैसा बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि जिसमें से कैश स्मगलिंग नाम का आपको एक वर्ड मिलेगा, स्ट्रक्चरिंग मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि जैसे गुड्स स्मगल होते हैं कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी भी सोर्स को यूज करके, वैसे ही आप उन कैश को किसी बॉक्स में डालो, पैक करो और यहां से आप उसको स्मगल कर दो किसी और कंट्री में। और वो कंट्रीज कौन सी हैं, जैसे कि उन कंट्रीज का जो नाम दिया गया है वो है टैक्स हेवन कंट्रीज, यानी वो कंट्रीज जैसे सिंगापुर हो गया आपका, जैसे आपका दुबई हो गया, आप वहां पे स्मगल जो आपका करप्टेड मनी है उसको भेज दो। अब वहां पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लोग जो होंगे उनके अकाउंट्स में आप क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और वो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो सोर्स बहुत छोटा होगा, जब वो सोर्स छोटा होगा तो आप उसका सोर्स ऑफ जनरेशन भी बता सकते हो, वहां पे झूठ बोला जा सकता है, वहां पे मैनिपुलेशन किया जा सकता है। उसके बाद आप उन पैसों को, ये जो पैसे हैं, इनको डिफरेंट तरीके से गोल्ड में, डायमंड में, रियल स्टेट में, जमीन खरीदने में आप क्या करोगे, इन्वेस्ट कर लगा दोगे। और अल्टीमेटली उस लेयरिंग के बाद, ये आपकी लेयरिंग हो रही होगी, आप क्या करोगे उन पैसों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में, डायमंड में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में क्या कर रहे होगे, इन्वेस्ट कर रहे होगे। और आफ्टर अ टाइम वो सारे पैसे क्या होंगे, एक जगह इंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि अब उन पैसों का सोर्स दिखने लगेगा। आपसे कोई पूछेगा पैसा कहां से आया तो आप बोल सकते हो रियल स्टेट को बेच के आया, जमीन को बेच के आया, शेयर्स को ट्रांसफर करके आया, डायमंड को बेच के आया, यानी जो ब्लैक मनी किसी इलीगल एक्टिविटी से अर्न की गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ 3 प्रोसेस, प्लेसमेंट, ब्रेक इन टू स्मॉल पीसेस, लेयरिंग, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं स्टेट्स में लगा दो, कंट्रीज में लगा दो और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लो। और अब वो पैसा जो है वो आपका सोर्स ऑफ जनरेशन के साथ वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलूंगी और आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन जो है किस तरह के ऑफेंसेस करेगा, तो उसके लिए हम आपको यहां पे कुछ नहीं बता सकते हैं। रीजन बीइंग बहुत ही बड़ी लिस्ट दी हुई है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि किस किस ऑफेंसेस से जो पैसे आएंगे उसको आप क्या बोलोगे, स्केड्यूल ऑफेंसेस बोलोगे और उन पैसों को आप इलीगल पैसा बोलोगे। जैसे कि आपका टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी शेड्यूल ऑफेंसेस के दे रखे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ, नार्कोटिक एंड ड्रग्स हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया आपका, उससे जो पैसा आ रहा है आपका, एक्सटॉर्शन से जो पैसा आ रहा है, करप्शन से जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आपका घोटाला कर रहे हैं उनसे जो पैसा आ रहा है, ह्यूमन ऑर्गन्स को निकाल के बेचा जा रहा है उससे जो पैसा आ रहा है, ये सारे के सारे जो सोर्सेस हैं इनको आपने तीन पार्ट्स में, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जिसमें आपको इन सब के बारे में बताया गया कि अगर आप इन ऑफेंसेस में पकड़े जाते हो तो इन ऑफेंसेस को हम क्या बोलेंगे, स्केड्यूल ऑफेंसेस बोलेंगे। एंड वंस आप स्केड्यूल ऑफेंसेस में पकड़े गए, जो कि स्केड्यूल पार्ट ए बी और सी में दिया गया है, उसमें पनिशमेंट कैसी होगी, तो हमारी पनिशमेंट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। इन केस ऑफ ऑफेंसेस विच इज रिलेटेड टू पार्ट ए, ड्रग्स एंड नार्कोटिक, एंड इसके अलावा बाकी जितने भी ऑफेंसेज हैं आपने उसको अदर पार्ट में डाल दिया है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में आगे बताना चाहूंगी, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, उसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार मिटाने से पहले। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो 3 स्टेजेस हम यूज करते हैं उनका नाम है PLI, मींस प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। व्हाट इज प्लेसमेंट? आप प्लेसमेंट में क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में
इसको क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. किसको? अपनी ब्लैक मनी को. स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर बना देते हो आप इसका, ठीक है. और लेयरिंग में आप क्या करते हो, लेयरिंग में उन पैसों को डिफरेंट डिफरेंट जगह है इन्वेस्ट कर देते हो. जैसे कि आपने गोल्ड परचेज कर लिया, आपने डायमंड परचेज कर लिया, आपने रियल स्टेट में लगा दिया, आपने कंपनीज के शेयर्स में लगा दिया. ये करने के बाद जब ये अब क्या हुआ, ये जो आपका ब्लैक मनी था ना, इसके सोर्स हो गए कि हाँ भाई पैसा कहां से आ रहा है, रियल एस्टेट को बेच के आ रहा है. हाँ भाई पैसा कहां से आ रहा है, शेयर्स को ट्रांसफर करके आ रहा है. तो अब क्या किया आपने, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कन्वर्ट कर दिया. जब ये छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया तो इसका सोर्स बताना आसान हो जाएगा आपके लिए. और ये आप नहीं कर रहे, आपके आपके जितने भी नोन लोग हैं, आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है. आपने ना इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. आपने एक मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस करके, मैं मुझे एक्चुअली में याद नहीं है उसका क्या नाम था उनका, एक बहुत ही साउथ के कोई हीरो है. उस मूवी में आपने क्लियरली देखा होगा कि वो कैसे अपने उन सारे पैसों को पॉलिटिशियन से लेके आता है, फिर वो सारे पैसे वो फॉरेन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास भिजवा देता है, और फिर अपने ही कॉलेज के नाम पे वो क्या करता है, उन सारे पैसों को डोनेशन की फॉर्म में ले लेता है. यही होता है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना. आपने छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह इन्वेस्ट कर दिया, और अल्टीमेटली बाद में जाके क्या किया, उसको इंटीग्रेट यानी इकट्ठा कर लिया. और अब वो पैसा जो है उसके सोर्स के बारे में आप को भी पता है और आप लोगों को डिस्क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है. तो चलिए यहां तक हमने कर लिया, हमने पढ़ लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ब्लैक टेंटेड और इलीगल मनी इनटू व्हाइट और अनटेंटेड मनी. अब हम पढ़ेंगे कि अगर इस एक्टिविटी में कोई पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट कैसी होगी, जिसके बारे में बात की गई है सेक्शन 4 में. सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए एक्ट ने क्या बताया है आपको कि अगर कोई पर्सन स्केड्यूल ऑफेंसेस में पकड़ा जाता है, स्केड्यूल का पार्ट ए बी और सी जो हमारा है उसमें पकड़ा जाता है, जो भी चीज उसमें स्पेसिफाइड की है, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे नार्कोटिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल के बारे में, तो उन पे कैसे कैसे पनिशमेंट लगेगी. तो यहां पे है पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4. अब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो तरह की पनिशमेंट लर्न करनी है. एक पनिशमेंट जो होती है इन केस ऑफ ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पैरा 2 ऑफ पार्ट ए. मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पैरा 2 ऑफ पार्ट ए, जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, इसमें क्या है, नार्कोटिक एंड ड्रग्स, इन सबसे रिलेटेड की बात की गई है, ठीक है. नार्कोटिक एंड ड्रग्स से रिलेटेड है, ठीक है. इस ऐसे एक्टिविटी में आप पकड़े जाते हो तो आप पे कितने का फाइन लगेगा. और इनके अलावा कोई भी केस है, इन एनी अदर केस, कोई और केस इसके अलावा, तो उस केस में आप पे कितने का फाइन लगेगा. तो देखिए, आपको जो इम्प्रिजनमेंट है यानी आपको जेल जो है वो कितने साल की हो सकती है और आपको फाइन कितना लग सकता है. अगर आप नार्कोटिक और ड्रग्स से रिलेटेड केस में पकड़े गए तो आपका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो होगा मिनिमम कम से कम 3 ईयर, 3 साल के लिए तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, जिसको मैक्सिमम कब तक ले जाया जा सकता है, 10 साल. यानी एक पर्सन जो नार्कोटिक एंड ड्रग्स के ऑफेंसेस में पाया गया है गिल्ट, उससे उसने जो पैसा कमाया था और वो पकड़ा गया, तो उस केस में उस पे मिनिमम 3 ईयर की इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम 10 ईयर की. तो मैम फाइन की भी कोई लिमिट है? नो, देयर इज नो लिमिट फॉर फाइन. वो ऑन द स्पॉट पीएमएलए में जो भी डिसाइड होगा आपको उतने का फाइन देना पड़ेगा.
नॉर्मल केस नहीं था, ये था ड्रग्स एंड नार्कोटिक के बारे में बात कर रहा था जो पैरा टू में डिफाइन किया गया। इसके अलावा आपके स्केड्यूल के पार्ट ए बी सी में इनके अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब के लिए कितने की इम्प्रिजनमेंट और कितने का फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट होगी आपकी बेसिकली जो 3 इयर्स से कम 3 साल तक की होगी, और जो मैक्सिमम जा सकती है कितने साल तक मैम, 10 साल? नहीं नहीं भाई, 7 साल, 10 साल तो आपका ड्रग्स वाले केस में। और इसमें भी सेम है, फाइन की कोई लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं की गई है, उस टाइम जो भी डिसाइड किया जाएगा आपको उतना फाइन देना पड़ेगा। क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? आप इसे कॉपी करिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और आगे फिर मैं आपको समझाने वाली हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा हवाला, हवाला ट्रांजैक्शंस के बारे में सुना होगा। बेसिकली हवाला ट्रांजैक्शन भी पीएमएलए का ही पार्ट है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में हवाला जैसी एक्टिविटीज को भी यूज किया जाता है। तो इसके जस्ट बाद में आपको हवाला के बारे में बताने वाली हूं, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हवाला के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी कि हवाला ट्रांजैक्शन किस तरह का सिस्टम होता है। तो हवाला ट्रांजैक्शन जो बेसिकली होता है वो इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम। ये जो हवाला वर्ड है बेसिकली, ये जो हवाला वर्ड है अरेबिक में इसका मतलब है चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म। और इसी को पाकिस्तान में जो है वो हुंडी के नाम से जाना जाता है। हवाला को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हुंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कैसा ट्रांजेक्शन है मैं आपको लिख के बताना चाहूंगी। यहाँ पे क्या बोला इसने, एंटर, आप ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो, कैसे? एंटर इंटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एंटर इंटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन, एज कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन, कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ राइट। क्या कर रहे हो आप? ट्रांसफर कर रहे हो राइट को टू एक्वायर एनी एसेट आउट साइड इंडिया बाय एनी पर्सन। यानी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हवाला होता क्या है। हवाला ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिस पैसे को आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप कंसिडरेशन यानी जो चीज आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है एज पर द लॉ, लेकिन ड्यू टू यूजिंग अ इनफॉर्मल सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन एज हवाला, उसको यूज करके, उसके एजेंट्स को यूज करके आप उस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा रहे हो, आइदर इन इंडिया ओनली और फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इंडिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल चैनल, और उस इनफॉर्मल चैनल का नाम है हवाला। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। क्या आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया?
या फिर मैं यहां पे समझा सकती हूं, देखिए आप, ये देखिए एग्जांपल क्या है। आप मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए यूएसए जाते हैं और यूज करते हैं टूरिस्ट वीजा। उन्होंने टूरिस्ट वीजा को यूज किया और यूएसए में गए। रादर देन ट्रैवल उन्होंने क्या किया, वहां पे कुछ काम स्टार्ट किया और उससे कुछ प्रोसीड जनरेट की। अब उनका वीजा था एक लिमिटेड टाइम तक का, वो टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो यूएसए से इंडिया वापस नहीं आए और किसी भी तरह से वो यूएसए में सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट वीजा, और वो क्या कर रहे हैं, वहां पे पैसे अर्न कर रहे होंगे। अब जबकि वो अपनी पूरी फैमिली को इंडिया में छोड़ के गए हैं तो उनको वहां से पैसे तो भेजने पड़ेंगे उनके सर्वाइवल के लिए। अब मिस्टर ए को उनकी फैमिली कहां पे है, उनकी फैमिली जो इंडिया में है उसको क्या भेजना है, रेमिटेंसेस भेजने हैं, पैसे भेजने हैं, ठीक है। लेकिन वो भेजे कैसे, क्योंकि जो एक्चुअल फॉर्मल सिस्टम है ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, वो तो वो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका यूएसए में रहना ही गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने वीजा की एक्सपायरी के बाद भी क्या किया, वीजा की एक्सपायरी के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे रह रहे हैं। अब मिस्टर ए को प्रॉब्लम आ रही है, वो पैसा कैसे भेजे, उन्होंने निकाला हवाला ट्रांजैक्शन का तरीका, यानी इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम। वो पहुंचे यूएसए के मिस्टर जॉन के पास। अब मिस्टर जॉन जो हैं, वो क्या हैं? एक एजेंट हैं जो क्या करेंगे, पैसे को यूएसए से इंडिया भिजवाएंगे। कोई भी पर्सन जो एज अ एजेंट हवाला सिस्टम में काम करता है उसका नाम होता है हवालादार। क्या नाम होता है, हवालादार। अब ये हवालादार जो कि यूएसए का है, उसने अपने काउंटर पार्ट यानी जो उसका साथी कहां पे होगा, इंडिया में होगा। इंडिया में जो उसका काउंटर पार्ट है जिसका नाम क्या है, मान लेते हैं उसका नाम मिस्टर राम है, उन्होंने जो पैसा मिस्टर ए ने किसको दिया था, यूएसए के मिस्टर जॉन को दिया था, मान लीजिए उन्होंने डॉलर 20,000 दिया था, या फिर माने डॉलर 2,000 एक अमाउंट था वो उन्होंने ट्रांसफर करने की बात की थी। ये पैसा उन्होंने मिस्टर जॉन को दिया, मिस्टर जॉन से बोला कि मेरा ये पैसा क्या करो, किसी भी तरह से इंडिया में मेरे फैमिली के पास पहुंचा दो। अब मिस्टर जॉन जो कि हवालादार के नाम से जाने जाएंगे इस ट्रांजैक्शन में, वो अपने इंडियन हवालादार जिसका नाम मिस्टर राम है उनको उन्होंने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। और मिस्टर जॉन ने एक पासवर्ड दिया, एक कोड दिया, जो कोड किसको बताया उन्होंने, मिस्टर ए को बताया, और मिस्टर ए ने उस कोड को किसके पास ट्रांसफर किया, पासवर्ड था या कोड था, जो भी एक कोड था वो अपनी फैमिली मेंबर को बता दिया। अब क्या होगा, वो फैमिली मेंबर इंडिया के काउंटर पार्ट के पास जाएगा और वो कोड और वो जो पासवर्ड मिस्टर जॉन ने मिस्टर ए को बताया था, वो पासवर्ड या कोड जो भी चीज होगी इंडियन काउंटर पार्ट को देगा, इंडियन हवालेदार को देगा। अब इंडियन हवालेदार उस कोड को मैच करेगा और अगर ये वही कोड होगा जो मिस्टर जॉन ने बताया था तो वो उस अमाउंट में से अपना कमीशन डिडक्ट कर देगा और रिमेनिंग जो भी पैसा बचेगा वो किसको दे देगा, फैमिली मेंबर को दे देगा। ये सारा सिस्टम जो है, ये जो इनफॉर्मल चैनल चल रहा था, इस इनफॉर्मल चैनल का जो नाम है उसका नाम है हवाला सिस्टम मींस इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर मिस्टर ए फॉर्मल सोर्स को यूज करके ट्रांसफर कर रहे होते
तो डॉलर जो था वो जो ऑफिशियल रेट चल रहा होता उसके हिसाब से कन्वर्ट होके इंडिया में आता, क्योंकि इंडिया में तो डॉलर नहीं रुपी के फॉर्म में पैसा रिसीव होता फैमिली मेंबर को। तो क्या मैम यहाँ पे जो मिस्टर जॉन है वो भी क्या ऑफिशियल रेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कन्वर्जन? नहीं, ये कन्वर्जन कोई ऑफिशियल रेट के हिसाब से नहीं होगा, ये कन्वर्जन एज पर मिस्टर जॉन होगा, जो मिस्टर जॉन बोलेंगे उस हिसाब से कन्वर्जन का रेट डिसाइड किया जाएगा। आपका समझ में आ गया आपको? अच्छा चलिए अब मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको इसके ऊपर एक दो केस स्टडीज देती हूँ, अगर आप उस केस स्टडीज को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका आंसर दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमने जितना भी अभी पढ़ा है आप उसका आंसर दे पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी की बात करूंगी मैं, मेरे पास कुछ केस स्टडीज हैं जो मैं आपके लिए बनाना चाहूंगी, आप देखिए क्या आपको उसके आंसर समझ में आ रहे हैं, आंसर भी मैं लिख के दिखा दूंगी आपको। देखिए केस स्टडी क्या है, मिस्टर राम अ फार्मर, मिस्टर राम अ फार्मर वॉज फाउंड इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। पता है ना ओपियम क्या होते हैं? चरस, अफीम की बात कर रही हूं मैं, जो गांजा होता है दैट इज ओपियम। ठीक है, मिस्टर राम अ फार्मर वॉज फाउंड इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। ठीक है, स्टेट द पनिशमेंट, कह रहे हैं बताओ कौन सी पनिशमेंट उनपे लगेगी, स्टेट द पनिशमेंट एज पर PMLA 2002। चलिए तो मैं इसको आपको आंसर लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखेंगे आप। मिस्टर राम हु फाउंड गिल्टी इन द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। अब ओपियम तो ड्रग्स के डिग्री में आ जाएगा, आपको इसी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऑफेंसेस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 19। स्टडी क्या थी हमारी, मिस्टर राम अ फार्मर वॉज फाउंड इन्वॉल्व इन द एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम कल्टीवेटेड बाय हिम। ठीक है, हमें बताना है कि उसकी पनिशमेंट पीएमएलए के अकॉर्डिंग कैसे होगी। ठीक है, या फिर कौन से पनिशमेंट के प्रोविजंस उस पर लागू होंगे। तो देखिए, जब भी कोई पर्सन पीएमएलए में पाया जाएगा गलत, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम है इसके लिए भी तो कोई एक्ट बनाया गया होगा ना भाई। वो पर्सन रिस्पेक्टिव एक्ट के इलीगल एक्टिविटी में तो एक बार अलग पकड़ा जाएगा, उसके लिए पनिशमेंट उसको अलग मिलेगी, और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने के लिए यानी इलीगल फॉर्म्स को लीगल में कन्वर्ट करने का भी उसको अलग से होगा। तो यहाँ पे एक पनिशमेंट उनको मिलेगी किसमें, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। यानी अब ओपियम जो है वो ड्रग्स का, यानी आपको पता ही है कि ये ड्रग्स और नार्कोटिक में आएगा, तो इसको एक पनिशमेंट तो यहां पे मिलेगी, साथ ही साथ में जो पैरा टू है पार्ट ए ऑफ पीएमएलए स्केड्यूल ऑफेंसेस उसमें क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई पर्सन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट में पाया जाएगा तो उसको जो इम्प्रिजनमेंट होगी उसका मिनिमम जो टाइम होगा वो 3 ईयर होगा, और वो कब तक और जा सकता है, मैक्सिमम 10 साल तक की उसको सजा हो सकती है। और अगर मैं फाइन की बात करूं तो उसके साथ ही जो फाइन होगा उसकी कोई लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब की गई, क्लियरली बोला गया कि नो लिमिट प्रिस्क्राइब, आपको कोई लिमिट नहीं बताई गई है, आपको ये जो डिसाइड होगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो मिस्टर राम है इनको
पनिशमेंट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट में भी मिलेगा और पीएमएलए में भी मिलेगा, जिसमें उनको मैक्सिमम 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको देने जा रही हूँ, वो क्वेश्चन बेसिकली आपका होमवर्क है, आप उसको ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगी। अब आपका जो केस स्टडी है वो आप लिख लीजिए एक बार। क्या है वो केस स्टडी देखिए। मिस्टर श्याम वॉज अरेस्टेड, मिस्टर श्याम वॉज अरेस्टेड, मिस्टर श्याम को अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? फॉर फॉर काउंटरफिटिंग काउंटरफिटिंग 2000 rupees, काउंटरफिटिंग 2000 rupees नोट्स। स्टेट द पनिशमेंट प्रोविजन एज पर पीएमएलए 2002। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगी, अगर आपको आंसर समझ में नहीं आएगा तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।